आज डे टू है और हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, इतना रेडी होके वाओ ब्रेकफास्ट करने, ये रेडी हो गए बीच पे। तो मुझे लगी है बहुत ज्यादा भूख, हम लोग सुबह 8:30 बजे उठे, रेडी होते होते 9:30 बज गए हैं। बाबा बोल रही है कि मैंने बहुत कम मेकअप किया है और उसकी मम्मी ने ज्यादा किया है, मस्कारा लगाया। तो अभी हम आए ब्रेकफास्ट करने, टेस्ट ऑफ क्या था, टेस्ट ऑफ रेस्टोरेंट या कुछ नाम है, टेस्ट ऑफ बेस सी बीच के एकदम सामने ही है। तो यहाँ पे भी ट्राई कर ले, क्योंकि अभी हम बहुत जगह जगह ट्राई कर रहे हैं। पहले बार जब आए थे हम लोग रेस्टोरेंट पे ही खाए थे, मतलब हमारे होटल पे ही। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या खाना खाते हैं लोग। भाग होता है, पूरी सब्जी मुझे अच्छा नहीं लगा, नहीं लगा। ऑमलेट, ऑमलेट एक पोच और एक बॉयल, जो भी एक का डिश है मैंने ऑर्डर किया। क्या था वन ऑफ माय फेवरेट, मैंने भी सेम लिया, वो मुझे कॉपी किया। बारबी ने क्या लिया है, फिश फिश फिश, अब ये हेलो फिश, सब आइसक्रीम ले रहे हैं वहाँ पे। देखो ब्रेकफास्ट करके करने के बाद ही आइसक्रीम, देखो यहाँ पे कितना क्राउड है। लुक एट अभी दीघा का सी बीच। तो अब हम सी बीच घूम के घर जा रहे हैं, मतलब होटल जा रहे हैं। वो लोग मतलब भाभी और रिपू के भैया और बाढ़ भी तीनों पानी में, हाँ पानी में है, और अंकल आंटी बैठे हैं, और हम लोग बहुत ज़्यादा धूप है और हम लोग उतरेंगे भी नहीं पानी में, तो हमको हम लोग ऐसे ही निकल आए। तो अब हम लोग थोड़ा मार्केट घूम के हम लोग होटल में जा रहे हैं। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ पे। ये देखो ये पूरा शिप शेप का है, इतना खूबसूरत। ये होटल नहीं है, ये कुछ क्या है, ये यहाँ का काम डॉक्टर है कुछ, और हाँ कुछ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। 70 थिएटर, ओ मतलब टूरिस्ट का ही है कुछ। चलो चलो जाते हैं, हम लोग देखते हैं अगर यहाँ पे जा सकते हैं तो जाएंगे। यहाँ पे मैक्सिमम ये टोटो ऑटो, यहाँ का ऑटो थोड़ा बड़ा बड़े साइज का होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पे घूमने जाते हैं ना, तो इसलिए ऑटो रिक्शा थोड़ा पीछे भी बैठने की जगह होता है यहाँ पे ऑटो रिक्शा, क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट में जब घूमने जाते हैं लोग तो ज़्यादा लोग होने से। यहाँ के लोग हैं क्या, यहाँ के लोग आप जहाँ पे भी टूरिस्ट जाओगे ना, आप लोगों को क्या समझते हैं पता नहीं, जो प्राइस है उससे हाई तो लेते हैं। डबल ट्रिपल बोल रहे हैं, हम लोग का सी लिखा है क्या फेस पे, नहीं हुआ अभी तक। कितना बचा है अभी, देखना पड़ेगा। बोलो दे दो टिकट को, तो देखा था अभी। अच्छा हम आ गए इस जहाज के अंदर, हम 70 शो में हैं। नॉट शो, हां 70 शो है। एवं कौन है एवं दिन में डायनासोर, डायनासोर में कौन था, देखिए हुआ ठीक है। हां ठीक है, 70 शो देखने आए हैं, 11 बज गया है और शो 11 बजे स्टार्ट होता है। पिया को मैं बोल रही हूँ आओ, वो कुछ काम कर रही है, मेरा सन बस अंदर ले गई है, जो आए आ जाइए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अरे कौन का बोल रहा, तो हम लोग
आ चुके हैं 70 सीटर में, अभी शूट होने वाला है, अभी ऑफर चल रहा है, एक टिकट में 2 मिलेगा, तो हम लोग एक टिकट 100 रुपए का, तो हम लोग 2 शो देखने वाले हैं, एक एक शो 13 मिनट्स के अंदर है। ओ स्टार्ट हो गया, अभी डायनासोर वाला देखेंगे, ठीक है बाय। हमारा 3D शो खत्म हो गया, 70 तो हमारा 70 शो खत्म हो चुका है, आई थिंक दीघा जहाजबाड़ी में 70 शो। मैं आप लोगों को एक ही फीडबैक दूंगी कि आप लोग बेटर जगह से देखो, क्योंकि कुछ मजा नहीं आया, चेयर बहुत कोशिश किया कि हमें फील कराए चेयर जो है, बट ग्लास बहुत खराब है, बहुत ज्यादा है, हमने बहुत ट्राई किया कि मुझसे करेंगे, मतलब जो चेयर या फिर एटमॉस्फेयर, मतलब अगर चेयर बहुत अच्छा था, अगर वाटरफॉल के पास से जा रहा है तो ऊपर से पानी गिर रहा है, अगर पे जा रहा तो बहुत जोर से, मतलब स्नोफॉल, मतलब वो कुछ स्प्रे पे दे रहा था, और ऊपर नीचे अगर कोई मकड़ी था तो मकड़ी का भी पैर गिर रहा था, वहां पे कुछ हो रहा है, मतलब बहुत ही चेयर ने बहुत अच्छा किया, बहुत ही रियलिस्टिक किया, एटमॉस्फेयर है, इंटीरियर है वो बहुत अच्छा है, पर जो ग्लास है मेन जो चीज़ है, ग्लास 3D मतलब 70 ग्लास जो फील होता है जिसमें, क्योंकि मैंने पहले भी 70 देखा है और रोलर कोस्टर का ही देखा था, वो बहुत ही मतलब मैं तो चिल्ला रही थी, इतना अच्छा था, पर यहाँ पे कुछ फील ही नहीं हुआ, मुझे डर ही नहीं लगा रोलर कोस्टर में, एकदम एकदम, तो वो ग्लासेस अगर पर हाँ प्राइस हिसाब से ठीक है, कितना दिया, क्या 100 रुपये दिया, तो नॉर्मल कैसा लगता है, 20 मिनट्स का शो है, ओह हाँ 100 रुपीस करके लेगा, अगर तुम पैसा बना लो पर सर्विस अच्छा दे दो, हाँ, भाई एकदम, तो जहाजवारी पे डॉल्फिन भी है, देखो तो बेसिकली ये कोई होटल नहीं है, ये पे टूरिस्ट स्पॉट ही है, टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पे बहुत सारा रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट है, दीघा शंकरपुर उन्नयन कर्तृपक्ष, तो दीघा का कुछ हेड ऑफिस है, ये इधर आओ, हम इधर से निकलेंगे, इधर से ही गेट है, वही गेट है, तो मैं प्यार में थोड़ा सा फोटो खींच लेते हैं, बिरयानी का क्वांटिटी बहुत कम है यार, प्राइस में ये देखो पाला बंद कर दो, ठंडा है, तो राइस हमारा आ रहा है एक, व्हाट इज दिस, एक दो एक कितना भी है, इतना कम है, इतना हाई प्राइस, रेस्टोरेंट के अंदर थोड़ा सा फैन बंद कर दो, ठंडा है, तो फाइनली हम लोग अभी घूमने निकले हैं, आज डे 2 है, साइड से घूमने जा रहे हैं, यहाँ पे बहुत जंगल जा रहे हैं, बहुत सारा काम है, भाई भी पीछे बैठा है, यहाँ पे बहुत सारा जगह है, फिर भी पीछे बैठा है, गए शंकरपुर में, ये चलो सामने का, सामने उधर से जाओ ना, तो उधर से जाते हैं ना, चलो तो आ गए हम शंकरपुर में, ये बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ पे बीच नहीं है क्योंकि यहाँ पे पानी का बहुत ज्यादा फोर्स है, यहाँ पे नहीं उतर सकते हम, मैं बहुत पहले आई थी तब इतना खूबसूरत नहीं था, यहाँ अब तो बहुत खूब, यहाँ पे बहुत सारा डेकोरेशन किया गया है, ये सब पहले नहीं था, नॉर्मल पानी ऊपर आ जाता है टाइम के साथ साथ, अभी थोड़ा फ्लो कम है, सुबह को या फिर शाम को, मतलब रात के दिन टाइम बहुत ऊपर आ जाता है पानी,
ये दोनों जा रही है। आ गया है, अब हम देखना देखते हैं कैसे जाना पड़ता है यहाँ से। आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई रास्ता है, आई थिंक उधर से ही जाना होगा। एक डॉल्फिन यहाँ पे मर गया, इसके मुंह पे बेबी भी इसका, देखते कितना बुरा लग रहा है। ये है ताजपुर का बीच, ये एक्चुअली ज़्यादातर यहाँ पे कपल्स आते हैं, फैमिली के साथ कम ही आते हैं लोग। आपको समझ में आया होगा यहाँ पे कपल है, कपल्स और भी थे चले गए।